नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश, और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और पर्सनालिटी, एक और सेलिब्रिटी, एक और आपके पसंदीदा गेस्ट के साथ इस वक्त मैं बिल्कुल लाइव हूं। जी हां, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर शीतल गुप्ता। उनके साथ आज हमारी बातें होने वाली, ढेर सारी बातें हमें करनी है, लॉकडाउन के पहले की बातें करनी है, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या किया वो बात जानना है, और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आज हम उनसे जानेंगे। शीतल मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू सो मच अनिमेश, इट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आज आपको हमने पाया है, क्योंकि सैटरडे इवनिंग जो है इससे अच्छी नहीं हो सकती है। गाने की बातें होने वाली, म्यूजिक की बातें होने वाली है, शीतल मैम के बारे में और ज्यादा आज हम इस इंटरव्यू के दौरान जानने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा, ओ जिया को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, बहुत ही प्यारा सा ये गाना है। कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओ जिया का, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी अनिमेश, ओ जिया का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। द फैक्ट कि इसके इस गाने के पीछे एक मैसेज है जो हमने छोड़ा था फॉर पीपल, जो नई जनरेशन है, स्पेशली लेडीज वुमन के लिए। सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग है आज की डेट में, आप देख ही रहे हैं, और लोगों का एक परसेप्शन है कि ऐसा होना चाहिए। तो हमने अपने ओजिया के माध्यम से एक ये मैसेज दिया, जहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि ऑल ऑफ अस आर ब्यूटिफुल, सो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, जैसे हैं अपने आप को वैसे आप यू नो पहचानिए अपनी खूबसूरती, जैसे भी हैं आप, डजंट मैटर साइज, यू नो कलर, क्रीड, नथिंग मैटर्स। तो ये हमारा मैसेज था इस गाने के थ्रू, तो बहुत लोगों ने सराहा इसे और हमें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, तो मैं जानना चाहूंगा चितुल मैम, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आपने सोचा कि इस तरह का कुछ करना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा ये इशू है और बहुत ही प्यारा सा ये गाना बना है, तो कैसे आप लोगों ने सोचा कि इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट करने चाहिए, इस तरह के थीम पे गाना करना चाहिए, टॉपिक पे गाना करना चाहिए। सो अनिमेश, ऐसा है कि जब ये गाना हमने बनाया और इसको जितने बार हम सुनते थे उतने बार एक थॉट आता था माइंड में, और आई एम वेरी लकी कि क्रिसेंडो को जब मैंने ये गाना सुनाया तो दे केम इन बोर्ड, यू नो, एंड दे सेड कि हम वीडियो, लेट्स डू द वीडियो विद दिस। और बनते बनते ये बना कि देखिए, गाने तो बहुत सारे आते हैं, बट मुझे लगता है कि कोई मैसेज अगर गाना दे जाए, पॉजिटिव मैसेज, तो इट इज़ वेरी गुड, यू नो, हमारी सोसाइटी को कुछ तो वी शुड गिव बैक टू आर सोसाइटी थ्रू आर मीडियम। और ऑडियो विजुअल से आज की डेट में क्या इट इज़ अ ब्यूटिफुल इम्पैक्ट, ऑडियो विजुअल से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए हमने बनाया। और क्रिसेंडो का भी आई वुड रियली लाइक टू थैंक द डायरेक्टर मोहित श्रीवास्तव जी, उनका भी एक ब्रेन चाइल्ड था ये, एंड यू नो वी थॉट ऑफ समथिंग कि ऐसा कुछ बनाया जाए। देन पीहू सैंड रोप्ड इन एंड गौरव शर्मा रोप्ड इन, और बनते बनते वो इतना अच्छा बन गया गाना, और ये थॉट इतना अच्छा आ गया, पीहू ऑल्सो इनएक्टेड इट सो वेल, तो एवरीथिंग ऑल इन ऑल पुट टुगेदर बहुत सुंदर ये गाना बना, एंड यू नो एवरीबडी लाइक्ड इट। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में बहुत पसंद किया गया। तो मुझे ये भी बताइए कि लॉकडाउन की अगर बातें करें शीतल मैम, तो ये कितना टफ था, क्योंकि हर एक सिंगर के लिए, म्यूजिशियन के लिए बहुत ही टफ टाइम ये गया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगी, आपने क्या नई चीजें आपने डिस्कवर की ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? अनिमेश, देखिए, नई चीजें तो ऐसी हमने डिस्कवर की कि आई डिस्कवर्ड दैट आई कैन कुक फेयरली ओके, जो कि मोस्टली सभी ने डिस्कवर किया, ये एवरीबॉडी वाज टर्निंग शेफ जी, किचन में बहुत सारे सेलिब्रिटी नजर आए, सभी नजर आए हैं। जी जी जी, और बिल्कुल। और दूसरी चीज जो यू नो विच आई गैदर्ड इन द लॉकडाउन इज कि कितने कम में हम गुजारा कर सकते हैं, इजन इट, ऑल ऑफ अस, कितने कम में हम सबका गुजारा हो सकता है। एंड आई गॉट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मेरा 15 दिन दिल्ली और 15 दिन मुंबई हो रहा है, तो लॉकडाउन में आई गॉट टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माई फोक्स एट होम, इट वॉज a blessing in disguise for me, I would say. Definitely, मैंने ये जरूर देखा कि बहुत लोगों को बहुत तकलीफें हुई, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा जी। कई लोगों के business hamper हुए, हमारे जैसे जो freelancers हैं, musicians हैं, हमारे जितने भी संगीत साथी हैं, people who come from a sound background, उनके लिए तो ठीक रहा, but some people who you know do not have that sound background, they really struggled. और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि इस समय पे हमारे जितने भी संगीत साथी हैं उनके साथ हम खड़े रहे, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने हम लोग हैं
वी शुड यू नो बी स्टैंडिंग देयर फॉर ईच अदर. जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर. एंड बहुत बॉन्डिंग बनी मेरी इस लॉकडाउन में विद आवर म्यूजिशियंस एंड सेट ऑफ अदर सिंगर्स एंड एवरीबडी. और बस ये कहना है कि ये टाइम निकल गया, बहुत अच्छे से लोगों ने इस टाइम को पार किया और अब नया साल जो है वो नई खुशियां लाए, नई होप लाए लोगों के जीवन में. पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई 2020 जैसे तैसे निकले. पर्सनली मेरे लिए अनिमेश, आई विल से इट वॉज नॉट टू बैड अ ईयर. मेरा एक फिल्म का सॉन्ग रिलीज हुआ OTT प्लेटफॉर्म पे, Zee5 पे. फिर मेरा एक मल्टी आर्टिस्ट सॉन्ग रिलीज हुआ इन विच यू नो आई गॉट टू वर्क विद कैलाश खेर जी, विद कुणाल गांजावाला, विद यू नो क्रिकेटर्स थे उसमें, विनोद कामली जी थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, महिमा चौधरी जी थी. सो लॉट ऑफ एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स एंड सिंगर्स, ऑल ऑफ देम. सो इट वॉज रियली नाइस फॉर मी. और फिर उसके बाद OGR रिलीज हुआ. इन बिटवीन देयर वाज अनदर सॉन्ग विच रिलीज विच वॉज कॉल्ड छाप तिलक का, एक फ्यूजन किया था हमने सिद्धांत माधव जी के साथ, वो रिलीज हुआ. So all in all for me personally per se it was a good year and बिल्कुल जब गानों की बातें हो रही है तो मैं जानना चाहूंगा शीतल मैम आपसे, वर्जिन भानुप्रिया का जो गाना है वो भी लोगों को बहुत पसंद आया है, तो कुछ अगर इस गाने के बारे में बताते जाए और दो लाइन में चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी अगर आप गाएं, जरूर जरूर बातें हो रही है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे. कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, कैसा रहा उस गाने के बारे में कुछ बताए. सौरव वैभव म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इस गाने के और अजय लोहान जी डायरेक्टर हैं फिल्म के. उनके लिए मैंने एक स्क्रैच गाया था और एक सिंगल भी किया था सौरव वैभव जी के लिए. उनको टोन पसंद आया तो जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि शीतल जी कम एंड सिंग दिस सॉन्ग, लेट्स सी हाउ इट गोज. तो जब मैंने सुना ये गाना और इट हैज दैट पंजाबी फ्लेवर, तो दिल्ली में रहने का ये फायदा हुआ कि पंजाबी फ्लेवर का जो सॉन्ग है वो यू नो आई कुड पिक इट फास्टर. और जब मैंने सुना और टोन सुना तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज प्रीटी मच माई टोन. तो जब हमने गाया उसको एंड दे रियली लाइक्ड इट. सो द सॉन्ग गोज लाइक कदे हूं करके कदे हाँ करके ओ कदे हूं करके कदे हाँ करके ओ गोली दे देगी मुटियारे तन्नु ना करके ओ गोली दे देगी मुटियारू तन्नु ना करके. क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल. और वीडियो जो है वो भी काफी अच्छा है, उर्वशी रौटेला नजर आ रही है इस गाने में और बड़ा मजा आया इस गाने को हमने एंजॉय किया देखा है. वैसे शीतल मैम मैं जानना चाहूंगा कि वक्त जो है बहुत बदल गया है, अब मास्क पहन के हमें घूमना पड़ रहा है और हमने देखा है कि आजकल जो सिंगर्स है उनके अपने ही पर्सनल घर में ही अपने स्टूडियोज जो है वो बना दे रहे हैं वो, और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग जो है अब घर पे ही हो जा रही है. तो आप क्या कहना चाहेंगे, वक्त जो है बहुत बदल रहा है, सिंगर्स की लाइफ जो है और कैसी रहने वाली है पैंडेमिक के बाद, अब कैसी खुली है और रिकॉर्डिंग्स कैसे हो रही है, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ. बिल्कुल, वक्त तो बदल रहा है अनिमेश, सिर्फ फिंगर्स ही नहीं क्यों, बाकी सभी देखिए एवरीथिंग वर्क फ्रॉम होम हो गया है सब कुछ. सो सबने एवरीबडी हैज डिवाइस देयर ओन वेज ऑफ वर्किंग. और हमने भी जो ऑनलाइन हम कर सकते थे, इनफैक्ट ये जो मल्टी आर्टिस्ट सॉन्ग मैं आपको बता रही थी विच इज कॉल्ड जीत कर दिखाना है, राजेश रॉय जी हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर. तो ये सॉन्ग हमने लॉकडाउन में ही किया था. सो इंडिविजुअली सबने अपने अपने घरों से जैसे वीडियो और ऑडियो करके भेजा था. सो दैट इज हाउ वी कंपाइल्ड एंड इट डिड फेयरली वेल, इट डिड वेरी वेरी वेल, लोगों को बहुत पसंद आया ये गाना. तो यस, बदल रही है चीजें, ये जरूर बदल रहा है कि अब हमें पता है कि घर से भी मैनेज हो सकती हैं चीजें, बट नथिंग लाइक स्टूडियो. आप इस फील्ड में हैं तो स्टूडियो जैसा तो कुछ नहीं है, है ना, द क्लैरिटी एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली. सो पैंडेमिक अभी जिस हिसाब से खत्म होता नजर आ रहा है, वी आर ऑल एक्साइटेड टू गो बैक टू द स्टूडियो, वो हमारी कर्म भूमि है. सो वी वॉन्ट टू बी देयर एंड वी ऑल वॉन्ट टू यू नो गेट बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन. बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडियो में बैठकर शो करने में और शीतल मैम को अपने स्टूडियो में बैठाकर उनका इंटरव्यू लेने में जो मजा है, वो यहाँ पर इस तरह डिजिटली में ज्यादा मजा नहीं है. लेकिन शो मस्ट गो ऑन, अभी जो वक्त चल रहा है इसके अनुसार हमें जाना होगा और यही एक अभी मोड नजर आ रहा है जो डिजिटली हम इंटरव्यू कर पा रहे हैं. तो आने वाले कुछ प्लान्स के बारे में शीतल मैम बताना चाहेंगे. आने वाले कुछ प्लान्स में कुछ मेरे सिंगल्स हैं अनिमेश जो आएंगे, होपफुली आप एरोज में कुछ रिलीज देखेंगे मेरा इन द कमिंग फ्यूचर. और फिल्म वेब सीरीज के लिए अभी जस्ट टुडे आई हैव रिटन समथिंग. सो आई एम ऑल्सो लिरिसिस्ट,
सॉन्ग राइटर बेसिकली. सो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में आई एम अ प्रिविलेज्ड फेलो मेंबर. तो मैंने एक गाना लिखा है आज ही फॉर अ वेब सीरीज. तो ये सब भी देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मेरे आपको इन 2021. होपफुली सम फिल्म सॉन्ग विल बी देयर. जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में और भी शीतल मैम नजर आए. लेकिन मैम एक गुस्ताखी माफ, एक फनी सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अभी जो वक्त बदल गया है, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एक चीज हमेशा पहन कर ही निकलना पड़ रहा है, वो है मास्क. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप घर से निकल गई और 5 मिनट के बाद आपको याद आया कि आप मास्क पहनना भूल गई हैं? ऐसा एक बार हुआ था अनिमेश कि आई स्टेप्ड आउट और मुझे लगा कि मास्क रह गया एंड ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट कुछ रह गया. तो अब मैंने क्या किया है उसका एक मैंने एक तोड़ निकाला है. मैंने उसमें एक चेन बांध दिया है एंड आई रोम अराउंड विद द मास्क विद अ चेन. सो आई डोंट हैव टू कीप इट एनीवेयर. उसको कहीं रखने की जरूरत नहीं है. और ये स्टाइल बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल में तो एटलीस्ट बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया. कॉपी कर ली, क्या बात है. या दे हैव ट्राइड अ चेन अराउंड द मास्क एंड दे वेयर इट लाइक अ नेकलेस. क्या बात है. तो ये हमने तोड़ निकाला. बिल्कुल, बहुत अच्छा है. ओके, कुछ भी हो जाए मास्क पहनना ही बहुत ही जरूरी है और जी जी बहुत इम्पोर्टेंट वो फॉलो करना है. मैम जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? मेरा एक मैसेज जो जनरली सबके लिए रहता है अनिमेश, वो ये है कि टाइम्स आर टफ. चाहे टफ हो टाइम्स, चाहे जैसे भी इजी गोइंग टाइम्स हो, सब लोगों से मेरी ये विनती रहती है, दरख्वास्त रहती है कि आप सिर्फ अपनी अकेले की जिम्मेवारी लीजिए. टेक योर ओन, यू नो, डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ. अपने लिए सोचिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए. अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी यू नो यू विल हेल्प द सोसाइटी. बिल्कुल सही कहा. तो सिर्फ अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, आप सैनिटाइज करेंगे, आप मास्क पहनेंगे, you know, तो automatically you are saving the rest. तो each of us, अगर हम सब ऐसा करने लगे, not only about, it's not about only pandemic, in general life also, अगर हम सब अपनी अपनी एक जिम्मेदारी ले लें, तो life will be so beautiful. बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा. कोलकाता कभी आना हुआ है मैम? जी बिल्कुल आना हुआ है. In fact, I have performed in Kolkata also. Okay. तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इनका एनुअल डे था. सो आई गॉट टू परफॉर्म देयर फॉर कोलकाता पीपल. इट वाज अ वंडरफुल शो, बहुत अच्छा शो रहा. और एक वहां पर एक क्लब है, इनफैक्ट कोलकाता से आगे है कुल्टी क्लब, अगर आप जानते हो. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कुल्टी. तो वहां भी मैंने परफॉर्म किया है. हां जी, वहां भी मेरे को परफॉर्म करने का मौका मिला. तो कोलकाता तो मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी एक बार फिर से आप कोलकाता आए, मास्क और विदाउट मास्क आपके साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें हम फिर से बैठकर करेंगे और वन टू वन फेस टू फेस बातें करने का मजा जो है वो अलग ही रहने वाला है. थैंक यू सो मच शीतल मैम हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच अनिमेश, प्लेजर एंड माय लव एंड रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी इन कोलकाता. उनके बारे में जाना है, उनके नए नए गानों को आप सुन सकते हैं. जी हाँ, इस वक्त ओ जिया की बातें हो रही है. इस गाने को बहुत पसंद किया गया है और इस गाने को जरूर सुनिए और बताइए आपको कैसा लगा. फिर मैं था निमेश आपके साथ, सुनते रहिए साथ रहिए. एक और सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात बहुत जल्द आपको करवाऊंगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट.